गुड आफ्टरनून गाइज और वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो दोपहर के बज रहे हैं एक, नहा धो के सब तैयार हो गए हैं और ऋतिक का भी हो गया कॉलेज ख़त्म, तो उसको भी ले लेते हैं। और आज हम जा रहे हैं अज्जू के पास क्योंकि मेरे को उनसे अपना कंट्रोलर लेना है और जो मेरा ड्रोन है, ड्रोन में मतलब जो रेंज होती है ना कि मेरा ना ड्रोन 1.5 किलोमीटर से आगे जाता नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि इसका कुछ लॉक वगैरह होता है वो ऐप के थ्रू, मतलब जो लैपटॉप में ऐप होती है उसके थ्रू करते हैं उसको चेंज वगैरह, तो देखते चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस यहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी पलटी पड़ रही है जैसे कि आप देख सकते हो। पूरी गाड़ी पलटी पड़ी है, रोड पर पूरा जाम है, अंदर कोई भी नहीं है इसके गाड़ी में, जिसने ठोके शायद वो भाग गया या चोट वगैरह लगी होगी तो एम्बुलेंस वगैरह वाले ले गए होंगे। गाड़ी भाई धीरे चलानी चाहिए, बहुत सेफ चलानी चाहिए गाड़ी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बहुत भीड़ है। बैटरी पकड़ लो, लो एंटीना तो खोल दे, रिमोट का ये वाला इससे लग रहा है। सफाई कर दो, ये मिट्टी उड़ रही है। आज मतलब वो नहीं हटाया तुमने गिम्बल का? ना नहीं, वो लेके आना वापस वो तो हटाया नहीं, जाता इसका? दूर नहीं जाता, हाइट तो जाता है 500 मीटर। अरे यहाँ इनका ओपन है ना शायद, इस वजह से जा रहा है। कैसी रही भाई ट्रिप? भाई अब क्या प्रोग्राम है अगला, कहाँ तक जाओगे? जहाँ तक लेकर चलो जाना है। लद्दाख की बताओ, लद्दाख भाई जून जुलाई में चलेगा। गाड़ी की आप बात कर रहे थे, गाड़ी चली जाए कौन सी लद्दाख में सर्दियों में? कौन सी गाड़ी? आपकी फॉर्च्यूनर। कश्मीर से जा सकते, कश्मीर भाई बंद पड़ा है फिलहाल कश्मीर में, सो उसमें सोनमार्ग कौन सा बंद है। और तू छोड़ा, तू कहाँ जा रहा है फिर?
मैं तो सोच रहा हूँ भाई कहीं लगा लूँ प्रोग्राम, मनाली मनाली का ही सही रहेगा। जनवरी के टाइम पे बढ़िया बर्फ पड़ेगी ना, बर्फ तो पड़ेगी पर ट्रैफिक जाम लगेगा भाई। पर जो ट्रिप वगैरह लेके जाते हैं जो ये पैकेज वैकेज वाले, ये बढ़िया ट्रिप लेके जाते हैं, इनके साथ जाना सही है, ट्राई कर ले, एक्सपीरियंस नया मिलेगा जो मिलेगा। मतलब किसी से बात तो करी थी मैंने तो वो कह रहा था कि बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उनके साथ जाओगे। अगर तो भाई जाना चाहता है तो कोई दिक्कत ना है। तो फॉरेन की ट्रिप कब मारोगे भाई? जब पासपोर्ट बन जाएगा। पासपोर्ट तो आपका दिक्कत दे रहा है काफी, सारा दे लेने से तो किसी दिन तक देगा, किसी ना किसी दिन तो आएगा। है कहाँ जा रहा है प्लान फिर? मैं तो वही मनाली के ही सोच रहा हूँ कि मनाली निकल जाऊँ न्यू ईयर के टाइम पे, बढ़िया रहेगा। हाँ निकल तो सही रहेगा, और जनवरी के स्टार्टिंग वाला वीक जो होता है फर्स्ट, उस टाइम बढ़िया बर्फ पड़ती है। तो जो भाई आपकी जो अब व्लॉग आएंगे उसमें ये बताओ बर्फ दिखेगी नहीं दिखेगी? जितनी बार गए स्नोफॉल तो लेके आए हो साथ में, लद्दाख तक में भी गर्मियों में भी। वाह बढ़िया काम हो गया। तो नारकंडा जैसा सीन कब तक आएगा आपके हिसाब से? नारकंडा जैसा यार मैं देखो कोशिश तो जनवरी के टाइम पे मेरे हिसाब से नारकंडा जैसा सीन बन सकता है, जरूरी ना है कहीं भी बन सकता है, क्योंकि उस टाइम आप जनवरी के टाइम पे गए थे। गया तो था, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है रुकने की यार, रुकने की, और नेट वेट भी नहीं चलता ना, बिजली आती, लाइट आ, सब कुछ बंद हो जाता, फायदा क्या? ये तो बात है, उस टाइम भी हम इसी चक्कर में निकले थे क्योंकि लाइट नहीं थी, खाना नहीं था और भाई पानी नहीं था, तो क्या करते वहाँ बैठ के। ये भी बात है। चलो भाई ड्रोन ठीक करने के लिए बढ़िया, अरे भाई मिलते हैं, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को रिमोट कंट्रोल दिया भाई। रिमोट कंट्रोल क्या, रिमोट कंट्रोल कभी भी ले लो आप भाई, आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे बताओ ना। ना ना भाई कोई दिक्कत ना यार, छोटा दिखे वैसा लगे बढ़िया। भाई जाजू भाई से मिला है, और ड्रोन की जो बात थी ना, ड्रोन का क्या है कुछ ऐसा ठीक करा नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ वायर्स ज़्यादा चल होती है ऊपर, हाई टेंशन वायर्स, और यहाँ खुला एरिया है इनका, तो इसलिए आपको लगता है कि इनका दूर जाता है, मेरा मतलब घर के पास ही नहीं जाता, तो इसलिए मतलब ओपन जगह में उड़ानी चाहिए, मतलब जब भी उड़ाओ ड्रोन वगैरह। और भाई से मिला है, नेचर वगैरह तो आपको पता ही है बढ़िया है, एक बार और मिला है अब भी बढ़िया था, और अगर आपको भी आना हो तो आप भी आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भाई बड़े मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल फ्रैंक है बिल्कुल बात करने में। सो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कुछ ड्रोन शूट्स भी थे जो वही बताना आपको कैसे लगे।